दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल सकती है। जो पहला अपॉर्चुनिटी है वो है GSOC यानी गूगल समर ऑफ कोड प्रोग्राम। इसमें अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्या होता है ये, कैसे अप्लाई करना है, इस बार GSOC में कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। और जो दूसरा अपॉर्चुनिटी है वो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 50,000 रुपए तक की हाई वैल्यू इन डिमांड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज फ्री में जीत सकते हो, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। गूगल समर ऑफ कोड एक ऐसा सर्टिफिकेट, अगर आपके रेज्यूमे में ये है तो आपकी क्रेडिबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। किसी भी ऑफ कैंपस में आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज ये जानती हैं कि आप एक अच्छे कोडर हो, आपने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाया है, क्योंकि आपने गूगल ऑफ समर कोड को कंप्लीट किया है। आप चाहे BA, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो या BTech कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो या मैकेनिकल सिविल में हो, कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। गूगल इसमें $3,000 तक स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो अब चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये GSOC क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन होने के बाद क्या करना होता है, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। GSOC क्या है दोस्तों? जिस तरह हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत सारे NGO होते हैं, ट्रस्ट होते हैं गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए, सिमिलर इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं। कुछ डेवलपर्स मिलकर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन टूल्स बनाते हैं और उसे फ्री टू यूज पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं, ताकि हर कोई उसका बेनिफिट ले सके। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री टू यूज तो होते ही हैं, साथ में इन्हें लोग फ्री में स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। एग्जाम्पल, हम सब VLC मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्डप्रेस, ब्लेंडर, 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, उबंटू OS, ओडासिटी, यहाँ तक कि मोजिला का जो फायरफॉक्स ब्राउजर आता है वो भी ओपन सोर्स ब्राउजर है। स्क्रीन पर आप ये देख सकते हो, ये सब फ्री टू यूज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं। इनमें आप जैसे डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसमें कोड लिखते हैं, कोई बग होता है तो उसको फिक्स करते हैं। अब दोस्तों, गूगल ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट और प्रमोट करता है। इसके लिए गूगल इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ मेंटर ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ लिस्ट कर लेता है और इनको सपोर्ट करने के लिए GSOC ऑर्गेनाइज कराता है, जिसमें ये कंपनीज अपने लिए डेवलपर्स प्रोग्रामर्स को हायर करती हैं, उन्हें सिखाती हैं और उनसे काम लेती हैं। और गूगल इन प्रोग्रामर्स डेवलपर्स को कुछ स्टाइफंड देती है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए $1,500 से $3,000 तक होती है, और GSOC का सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी वैल्यूबल सर्टिफिकेट होता है। अगर आप चाहते हो कि आप भी GSOC का पार्ट बने, तो आपके पास कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे जावा, C++, पाइथन या कोई एक फ्रेमवर्क हो गया एक्सेट्रा, और साथ में DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप यूट्यूब से सीख सकते हो। इसके अलावा आपको GitHub के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वो काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ये सब सीखने के लिए आप YouTube का हेल्प ले सकते हो। YouTube पर कई लोगों ने फुल प्लेलिस्ट ही बना रखा है, और वो भी हिंदी में। आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप DSA, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एकदम अच्छे से सीखना चाहते हो, एक जॉब ओरिएंटेड फुल स्किल बेस्ड कोर्स ही करना चाहते हो, तो दोस्तों कोडिंग निंजा आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोडिंग निंजा के कोर्सेज खुद Amazon, Flipkart, IIT दिल्ली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने बनाए हैं। तो आप सोच सकते हो किस लेवल का कोर्स होने वाला है। इन कोर्सेज में आपको 1-to-1 डाउट सपोर्ट विथ टीचिंग असिस्टेंट और डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल तो मिलता ही है, साथ में 1-to-1 मॉक टेस्ट, वर्कशॉप फॉर रेज्यूम बिल्डिंग, LinkedIn, GitHub प्रोफाइल बिल्डिंग जैसे कई स्पेशल फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वैसे तो इन हाई वैल्यू कोर्सेज का प्राइस 10,000 रुपये से 60,000 रुपये तक है, बट अभी आप लोग के पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज में हैवली डिस्काउंट पाने का, कोडिंग निंजा CNSAT स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू। इसमें आप 100% तक डिस्काउंट पा सकते हो। कोडिंग निंजा आप जैसे पैशनेट लर्नर्स की हेल्प करने के लिए हर महीने स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफर करता है। तो अप्रैल का जो टेस्ट का डेट है वो आ चुका है। आप लोग 17 से 18 अप्रैल के बीच ये टेस्ट दे सकते हो। अगर आप किसी रीजन से 17 अप्रैल को नहीं दे पा रहे हो, तो आप 18 अप्रैल को दे सकते हो। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप इनके कोर्सेज में 100% तक स्कॉलरशिप तो जीत सकते ही हो, साथ में कई सारे अमेजिंग पर्क्स मिलते हैं, जैसे कोर्स गुडीज, जिसमें आपको ₹4,000 वर्थ का बैग, स्टिकर, टी-शर्ट, नोट्सबुक्स ये सब मिलते हैं। साथ में आपको एक फ्री कोडिंग बुक मिलता है, जिसकी कीमत ₹1,500 है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि आपको इंटर्नशिप और जॉब आने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल। आपको कोडिंग आनी जरूरी नहीं है। इसमें 30 एप्टीट्यूड बेस्ड MCQ क्वेश्चंस होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो 99 रुपीज़ है, बट अगर आप FIFTY50 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक्स टू कोडिंग निंजा, इन्होंने आज के इस वीडियो को सपोर्ट किया है। ओके, सो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आप गूगल में GSOC सर्च करके इस ऑर्गेनाइजेशन वाले बटन पर क्लिक करके ये देख सकते हो कि इस बार कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन्हीं के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आपको काम करना होगा। आप देख सकते हो तकरीबन 200+ ऑर्गेनाइजेशन इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको जो भी लैंग्वेज आता है वो यहाँ पर सर्च करके भी पता लगा सकते हो कि इस लैंग्वेज पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि उन प्रोजेक्ट्स में अभी क्या क्या इशू आ रहा है, वो भी आप गूगल या गिटहब के थ्रू पता कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप GSOC के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। दोस्तों GSOC 2022 में कुछ नए अपडेट्स हुए हैं, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। अपडेट वाले स्पेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो जो सबसे पहला अपडेट है वो एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, इसकी एलिजिबिलिटी इंक्रीज कर दी गई है। पहले इसमें केवल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट अगर आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक कॉलेज ड्रॉप आउट हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, आप सब लोग GSOC 2022 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा अपडेट है मल्टीपल साइजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब आपको यहाँ पर अलग अलग साइज के प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे, स्मॉल साइज प्रोजेक्ट, मीडियम साइज प्रोजेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी कि प्रोजेक्ट्स बड़ा होता था बट उनके पास टाइम कम होता था, और कुछ स्टूडेंट्स के पास प्रोजेक्ट्स बहुत छोटा होता था और टाइम बहुत ज़्यादा होता था, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तीसरा जो चेंज है वो है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। पहले ये प्रोग्राम 12 वीक्स का होता था बट अब ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो वो आपकी टाइमिंग को बढ़ा सकता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो 22 वीक्स तक इंक्रीज कर सकता है टाइम ड्यूरेशन को। तो ये तो थे वो तीन मेजर अपडेट्स। इस प्रोग्राम के बारे में आप पूरा टाइमलाइन यहां से पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो प्रपोजल का जो डेडलाइन है वो 19th अप्रैल है, यानी उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ से आप कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, जैसे ये लाइन देख सकते हो, यू मस्ट बी ओपन सोर्स बिगनर, मतलब आपको पहले से ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इससे पहले GSOC में अप्लाई किया हो और आपका सिलेक्शन हो गया हो और आप फिर से अप्लाई कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ GSOC स्टूडेंट मोर देन वंस। और केवल 2020-2021 GSOC स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं सेकेंड टाइम 2022 में अप्लाई करने के लिए, जिनका 2020-2021 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आप इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ सकते हो, स्पेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टाइफन की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्टाइफन मिल सकता है, ये डिपेंड करता है टोटली आपके लोकेशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लेंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी के बेसिस पर आपको स्टाइफन ऑफर किया जाएगा। ऑन एन एवरेज एक इंडियन स्टूडेंट को मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए $1500 मिल जाता है और लार्ज साइज प्रोजेक्ट के लिए $3000 तक मिल जाता है। हाउ इट्स वर्क, तो देख सकते हो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के लिए। फिर सेकेंड स्टेप में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट्स को चूज करना है, उसके साथ आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा जिसके साथ आपको काम करना है, दैट इज कोडिंग पार्ट। और थर्ड पार्ट है शेयरिंग पार्ट, जो भी आप अपना कोड बनाएंगे उसको यहाँ पर सबमिट करना होगा। दोस्तों अगर आप GSOC में एज अ कंट्रीब्यूटर बनने का चांस बढ़ाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको इस लिस्ट से एक्सप्लोर कर सकती हो। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बनता हो उसमें जाकर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स की जो भी लिस्ट है उसको आप एक्सप्लोर करिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने लग जाएं तो मेक श्योर कि आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपना आइडिया सबमिट जरूर करें। थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आप किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ताकि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने की। तो अब चलिए देखते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो इसके लिए दोस्तों GSOC 2022 के इस होम पेज पर आ जाओ। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा रजिस्टर टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर, इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नेम लिख दो, फिर नीचे एग्रीमेंट एंड रूल्स में दो एग्रीमेंट हैं, इन लिंक्स पर क्लिक करके एग्रीमेंट को रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लेना है। पहला जो एग्रीमेंट है वो है प्रोग्राम रूल्स, इसमें एलिजिबिलिटी से लेकर रूल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके डेली बेसिस पे क्या टास्क रहेंगे, जैसे हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में मेंशन की गई है। आपको इसको स्क्रॉल करके रिव्यू कर लेना है, फिर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है।
दूसरा जो एग्रीमेंट है वो है कंट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, इसको भी आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना बेसिक डिटेल देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री नेम, जेंडर डिटेल, कहाँ से आपको जीशो के बारे में पता चला, फिर क्या आपने इसे पहले कभी जीशोक में अप्लाई किया है, इन सब का आंसर आप यस नो में दे सकते हो। एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो इसका भी आंसर दे दो, इससे पहले क्या आपने एज अ कंट्रीब्यूटर वर्क किया है उसका भी आपको आंसर यस नो में दे देना है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग में अपना टाइम जोन सबमिट कर दें और रजिस्टर पर क्लिक कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट होने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा माई डैशबोर्ड का, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। अब प्रपोजल सबमिट करने के लिए ब्राउज एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन, इस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप चाहते हो एज अ कंट्रीब्यूटर सिलेक्शन हो जाए उनमें आप प्रपोजल्स भेज सकते हो। जैसे ये प्रोजेक्ट हमने ओपन किया हुआ है तो यहाँ से आप इनकी टेक्नोलॉजी देख सकते हो, टॉपिक्स देख सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इनसे चैट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो चैट का भी बटन दिया गया है, यहाँ से आप चैट करके इनसे काफी आइडिया ले सकते हो प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिया गया है, पहला है व्यू आइडियाज लिस्ट, यहाँ से आप सभी आइडियाज को देख सकते हो, और दूसरा बटन है सबमिट प्रपोजल, तो इस पर आप क्लिक करके अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। प्रपोजल सबमिट करने का एक पूरा फॉर्म ही आ जाएगा। अगर आपको पता है कि किस तरह एक अच्छा प्रपोजल लिखना है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये गाइडलाइन पढ़ सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप यूट्यूब पर कुछ सैंपल्स देखकर वहाँ से आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 प्रपोजल सबमिट कर सकते हो, बट एक ही प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप जीशॉक में रजिस्टर करके 3 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर अपना प्रपोजल भेज सकते हो और किसी एक में सेलेक्ट हो सकते हो एज अ जीशॉक कंट्रीब्यूटर। अगर आप इस वीडियो को 19 अप्रैल 2022 से पहले देख रहे हो तो जल्दी अप्लाई कर दो, अगर आप उसके बाद देख रहे हो तो आप नेक्स्ट जीशॉक के लिए वेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और नए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।